स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ओसीएम के अंदर जैसे कि हमने पोक सिस्टम में आपको 6 चैप्टर्स के चैप्टर 6 के दर्शन दिए। अब वक्त आ गया है 7वां और 8वां चैप्टर पढ़ने का। अब 7वां चैप्टर जैसे कि नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट? अगर मैं 7वें चैप्टर की बात करूं तो बात आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब सर ये है क्या एक्चुअली, बताइए जरा, तो हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके पहले एक मेरे को टेक्निकल इशू आया हुआ है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बात करते हैं चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 की अगर दर्शन करना चाहोगे बच्चे लोग, तो उसमें आपने ये दिखा कि चैप्टर 7 इज बिलोंग्स टू कॉमर्स फील्ड, यानी कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, मैनेजमेंट से नहीं। अभी क्या है तो पहले समझते इसको। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये पढ़ने के पहले कंज्यूमर ये वर्ड कहाँ से आया, ये कंज्यूमर कहाँ से आया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ से आया, इसको पहले अपन समझेंगे। ओके, ध्यान दो। देखो, समझने वाली बात है, देखो इधर पर चलो। सबसे पहले बात करूं मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करता हूं मैं। ये चैप्टर आया कहां से, इसके लिए आपको हिस्ट्री जाना पड़ेगा। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आज ही दे दूंगा। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट सुनी सुनाई बातें कुछ याद आएंगी वहां पे। तो चैप्टर शुरू करने के पहले ऑफलाइन वाले बच्चों से पहले मैं वाइवा लूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर को आगे बढ़ूंगा। इसे ध्यान से गहराई वाले पार्ट से सुनो, जितना वर्किंग आप लिख सकते हो लिख लीजिएगा, डेटा कलेक्ट करते इसको, हाँ इसको डेटा कलेक्शन बोलते हैं। सुनो ये बात है। अब देखो, सबसे पहले आज की तारीख की बात करूं तो कंज्यूमर बोले तो कस्टमर, और कस्टमर यानी कौन, ग्राहक, है ना। अब कस्टमर का डेफिनेशन मीनिंग क्या है बताओ, अ पर्सन हु परचेस गुड्स और सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ यूज, दैट पर्सन इज नोन एज कंज्यूमर। ऐसा कोई भी इंसान जो कोई तो भी चीज या सर्विस लेता है और वो अपने अपने यूज के लिए वो परचेस कर रहा है सर्विस या गुड्स, तो उस पर्सन को अपन बोलेंगे कंज्यूमर। क्या बोलेंगे हम उसको? और आज की तारीख में कंज्यूमर सेंटर है, मार्केट का किंग है। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया, याद करो, टुवर्ड्स कंज्यूमर। आज कंज्यूमर मार्केट का किंग है। पूछो क्यों? क्योंकि आज जो दुकान या मार्केट चल रही है वो सिर्फ कंज्यूमर के कॉमन इंटरेस्ट से है। जिस दिन कंज्यूमर ने अपना इंटरेस्ट निकाल दिया मार्केट से, वो फर्म ही नहीं, पूरा मार्केट तबाह कर सकती है वो, पूरा मार्केट। मार्केट कैन बी स्विच। आज इंडियन मार्केट या फॉरेन मार्केट जो भी चल रहा है वो सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट की वजह से चल रहा है। दैट्स वाई हर एक बिजनेसमैन आज की तारीख में हर एक व्यापारी जब भी कोई बिजनेस के अंदर डिसीजन लेता है, क्या लेता है, तो सेंटर पोजिशन वो कंज्यूमर को रखता है। कोई भी डिसीजन इर्द गिर्द रखता है कंज्यूमर को। आज एक प्रोफेशनल जब भी कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिसीजन लेता है तो सेंटर पोजीशन वो रखता है कंज्यूमर को। तो सर क्या कंज्यूमर इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। आज बड़ी से बड़ी दुकान या छोटे से छोटा दुकान वाला बोलो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलो या जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलो, आज सेंटर पोजीशन किसको रखता है? कंज्यूमर को। गुड्स का सिलेक्शन करना है, कंज्यूमर देखना है। गुड्स के अंदर कुछ वेरिफिकेशन है, कंज्यूमर चाहिए। बिजनेस की स्ट्रक्चर बढ़ाना है, कंज्यूमर देखना है। इन शॉर्ट कोई भी एक एरिया का, छोटा सा एरिया का इवन स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करना है, उसको भी हम कंज्यूमर को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। पूछो क्यों? देखो, अगर कंज्यूमर ने अपना प्रेफरेंस चेंज कर दिया, अपना इंटरेस्ट निकाल दिया तुम्हारी दुकान से, उस दिन से तुम्हारी दुकान का एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाता है। अकबर में स्ट्रक्चर चेंज करना कभी कभी घातक होता है। इसका एग्जाम्पल दू, देखो बता रहा मैं आपको, एकदम सिंपली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। क्यों आज सेंटर पोजिशन कंज्यूमर है, और कंज्यूमर को अगर सेंटर पे रखते हुए कोई भी एरिया का डिसीजन नहीं लिया तो वो डिसीजन रॉन्ग डिसीजन साबित हो जाएगी। और एक बार वो रॉन्ग डिसीजन साबित हो गई अगर, तो आपका बना बनाया बिजनेस सब बिखर सकता है, एक डिसीजन खत्म। दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोकल वाला भी, केस स्टडी दे रहा हूं, और हाई लेवल भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर पढ़ना है तो कंज्यूमर को क्या प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए केस स्टडी दो, ध्यान दो। पहली लोकल, आपको मालूम है
आज से अगर मैं 5 साल पहले बात करूं, जहां पे मॉन्जिनिस था, मॉन्जिनिस, वहां पे एक वेल 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 बिजनेस, वेल एस्टेब्लिश्ड एक किराने की दुकान थी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, सॉरी, ऑफिशियली अलाउड नहीं होता है हमें। और वो किराने की दुकान वन साइड चलती सिंधी कैंप में, वन साइड इतनी भीड़ होती थी कि उनके पास एक मिनट रुकने की जगह नहीं होती थी। शायद से अगर आप बच्चे होंगे तो आपने देखा भी होगा, शायद से एक्सपीरियंस किया होगा। किसको बताए ये यहाँ पे ये? ओके, ठीक है ठीक है। कई बार हमने, मैंने भी कुछ ने भी पर्सनली वहां से गुड्स लिए परचेस की, बहुत अच्छी दुकान थी वो। क्या था वो दुकान, एक छोटी मतलब किराने की दुकान कहते हैं, वहां पे गरीब अमीर सब आते थे। कैसे भाई, जिसको 3 रुपए का तेल चाहिए खाने का वो मिलता था वहां पे, और 5 रुपए की शक्कर मिलती थी वहां पे मिलती थी, और अगर 1 किलो शक्कर चाहिए तो 1 किलो मिलती थी। यानी छोटा अमीर गरीब मिडिल क्लास सब लोग वहां पे आते थे और उस ओनर को गुड्स की डिमांड करते थे, गुड्स हाजिर। उसके बाजू में एक दुकान थी जो आज भी है किराने की, वो चलती नहीं थी बिल्कुल भी। उसका कस्टमाइजेशन कंपैरेटिवली कम था उससे, बहुत कम था, रियली बहुत कम। एक दोनों दुकान एकदम अटैच, एक दुकान बहुत चलती थी, पूरे सिंधी के में फेमस थी, और दूसरी दुकान जो थी वो थी कम चलने वाली दुकान, यानी यहाँ तो नहीं के बराबर दुकान चलने वाली थी वो। दोनों के पास गुड्स का जो वो है, क्या बोलते हैं, स्टॉक सेम होता था। फर्क क्या था सर? ओनली बिहेवियर, ओनली बिहेवियर, डील विद कस्टमर्स, प्रायोरिटीज ऑफ कस्टमर्स। हुआ क्या, उनके बेटे ने एक बड़ा शोरूम, एक बड़ा ये खोला, सुपर शॉपी। कहाँ खोला सुपर शॉपी? आउट एरिया में, वेलेस्ट, जहाँ पे एक रिहायशी एरिया होती है बहुत अच्छी, आलसी प्लॉट में, जहाँ पे बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं कस्टमर। और वहाँ वो सुपर शॉपी चल गई, बहुत बहुत चल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बेटे ने देखा कि सुपर शॉपी यहाँ बहुत चल रही, सेल्फ सर्विस है, खुद ही आके ले रहे सब लोग। वही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ मॉडिफाइड करने को सोचा बेटे ने, कि पापा पे लोड बहुत बढ़ गया है, पापा पे लोड बहुत बढ़ने की वजह से हुआ यहाँ पे ऐसा है कि अकेले पापा नहीं कर पा रहे, और अभी वो ट्रेडिशनल बिजनेस, हाँ पैसे लो दो, यानी बार बार बिल बनाओ बैठ के इतनी बड़ी मैनुअली, वो ट्रेडिशनल बिजनेस से फेड अप हो गए थे, लेकिन कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा था। हुआ क्या आगे, हुआ इस तरीके से, बेटे ने वही मॉडल बिजनेस का यहाँ पे ला लिया, सुपर शॉप बना दिया उसको मॉडिफाइड करके। जिस दिन सुपर शॉप बनी वहां पे कस्टमर आधे से भी आधा। अब आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हुआ उल्टा, तो कस्टमाइजेशन तो बढ़ना चाहिए, कस्टमर आधे हो गए। पूछो क्यों? वो इतने हाईएस्ट सुपर शॉपिंग में देख के, जो गरीब लोग थे जो 5 रुपए का तेल मांग जाते थे या 20 रुपए की शक्कर मांग जाते थे, वो लोग गए ही नहीं अंदर, उन्होंने अपना प्रेफरेंस चेंज कर दिया और वो बाजू वाली दुकान में स्विच हो गए। क्या हो गए? और धीरे धीरे कस्टमाइजेशन कम होने लगा, और कम होने के बाद आज वहां किराने की दुकान है ही नहीं, वो जो वेल एस्टेब्लिश दुकान थी। ये अलग बात है कि उनके बेटे के बाकी सब प्रोजेक्ट वेल एस्टेब्लिश चल रहे हैं, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट फेल हुआ, क्योंकि बना बनाया स्ट्रक्चर को छेड़खानी की। क्या की गई? छेड़खानी की गई। और क्यों? क्योंकि सेंटर पोजीशन डिसीजन लेते वक्त कंज्यूमर को प्रायोरिटी नहीं दी गई, और आज वहां पे कोई किराने की दुकान नहीं है, उसके बाजू में वो जो दुकान जो नहीं चलती थी आज वो वन साइड चलती है। लेकिन उनका बिहेवियर वैसे ही ओनर का आज भी, अगर कोई रिश्तेदार होगा यहाँ पे तो सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ उससे, लेकिन बिहेवियर थोड़ा रूड है, नो डाउट। उनको लगता कि हमारे ऊपर कोई चीज देकर वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। और जो ओनर था, जो पहले वाला जो बॉयल एस्टेब्लिशर था, उनका आज एग्जिस्टेंस ही, मतलब आज वो दुकान वहां पे नहीं चलती है, लेकिन उनके बाकी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चलते हैं। कई प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट मैंने खुद ने किया हुआ है वहां पे। आप समझे मेरी बात को? अरे आ रहा क्या समझ में आपको? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्रायोरिटी सेंटर पोजीशन कस्टमर को नहीं दोगे, तो बना बनाया मार्केट, बना बनाया बिजनेस आप बिखार के रख दोगे।
दूसरा एग्जाम्पल दू आपको बेस्ट, वो है नोकिया कंपनी का। नोकिया का कोरियन कंपनी थी, इंडियन मार्केट वन साइड लेके बैठी थी। लोग मोबाइल फोन न बोलते थे, नोकिया का हैंडसेट दो ऐसे बोलते थे, यानी क्या प्रोडक्ट नेम इज सब्स्टिट्यूट टू ब्रांड। और जब कोई ऐसी कंपनी प्रोडक्ट नेम ब्रांड नेम में कर जाती है तो वन साइड चलती है, मोनोपोली मार्केट क्रिएट कर लेती है। वो हुआ क्या वहां पे, वहां पे मोबाइल अच्छी खास चल रही थी, एंड्रॉइड गए थे भाई साहब नोकिया के पास गूगल कि हमारा ये नया ले लो, टच स्क्रीन दे दो मोबाइल। नहीं, हमको तो मोबाइल में कंप्यूटर देना है, कंप्यूटर। गए बिल गेट्स के पास, नोकिया वाले, मोबाइल में कंप्यूटर दिया, लोगों को चला नहीं आया, लोगों ने डिनाई कर दिया सिस्टम। आज नोकिया कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। नोकिया आज नहीं के बराबर दिखती है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रायोरिटी डिसीजन मेकिंग में या कोई भी चेंजेस सेंटर पोजीशन अगर कस्टमर को नहीं रखते दोगे, आपका बना बनाया बिजनेस बिखर सकता है, भले आपने अच्छे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों ना किया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग एक चला हुआ स्ट्रक्चर को खुजाना बिगाड़ना, ये हमारे लिए इनवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, भी एक लोकल का बताया और एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी जो हर कोई नोन है उसका बताया मैंने आपको। इस तरीके से आज की तारीख में कंज्यूमर इतना प्रायर इंपॉर्टेंस में रखता है, कोई भी बिजनेसमैन कोई भी एरिया का डिसीजन अगर लेना चाहते हो तो कंज्यूमर को सेंटर पे रख के लेना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल क्लाइंट को या स्टूडेंट को सेंटर पे रखना चाहिए। आपको बताएं, आपका ये जो क्या बोलते हैं, आपका जो न्यू प्रमाइसिस है, पहले ये लोग गीता नगर में, हम गीता नगर में लेने को सोच रहे थे जब लैंड की परचेसिंग चल रही थी आपके न्यू प्रमाइसिस के लिए, हम लोग स्विच हुए थे गीता नगर। लेकिन हमने जब इवैल्यूएशन किया तो हमने ये पाया कि ये एरिया के बच्चे प्रोबेबली 90% है जो शायद गीता नगर नहीं आ पाएंगे। और अगर वो डिसीजन में गलती हो जाती थी तो आज वननेस जो वेल एस्टेब्लिश चल रहा है वो आज शायद से उसको बिखरने में टाइम लगता था। और यही 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 फायदा कॉम्पिटिटर उसको ले लेते थे। आप समझेगा मेरी बात, यानी एक गलत डिसीजन आपका बना बनाया सब कुछ बिखर सकता है। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा कंपनी सर ये एरिया में क्यों आए, क्योंकि यहाँ की मेजर स्टूडेंट स्ट्रेंथ मेरे पास थी और बना बनाया मार्केट को मुझे हिलाना नहीं था, इसलिए मुझे मेरे सामने चैलेंज ये था कि ये नियर बाई कहीं तो मुझे लैंड का परचेसिंग करके नया ब्रांच खोलना था। यानी आप सोचो कितनी गहराई से हर बात सोचनी पड़ती है, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं होती, कोई भी नहीं। आप समझे क्या मेरी बात को, बींग अ प्रोफेशनल, बींग अ बिजनेसमैन, बींग एन एंटरप्रेन्योर, आपका काम बनता है कंज्यूमर या क्लाइंट या स्टूडेंट को प्रायोरिटी प्रेफरेंस देकर आपको हर एक एरिया उसके इर्द गिर्द सारी डिसीजन लेनी पड़ेगी। यानी सेंटर पोजिशन कस्टमर, इतना कस्टमर इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई कंज्यूमर इज कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट। तो क्या शुरुआत है सर? नहीं, जब मैं हिस्ट्री पे आता हूं, ये कंज्यूमर प्रोडक्शन कहां से आया, क्या आया, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ओके, ध्यान दो। अब अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करता हूं, हिस्ट्री में अगर मैं बात करता हूं तो जब भारत देश आजाद कब हुआ बताऊं? यस, भारत देश आजाद हुआ 1947 के दौरान। इस आजादी के बाद इंडियन पीपल्स ने अपना कमांड संभाला, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर से अंडर में एक सरकार बनाई गई, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन करके उसको सेलेक्ट किया गया। तो अगर मैं बात करूं 1947 की, उस टाइम पे ऑल बिजनेस
इज कंसर्न विद गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज तब आम जनता को बिजनेस करना इंडिपेंडेंटली अलाउड नहीं था. तो क्यों? क्योंकि तब लाइसनिंग सिस्टम चलती थी. डी लाइसनिंग एलपीजी में आया, आपने सुना होगा. तो एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो यानी क्या कि अगर मैं 1947 की बात करता हूं तो इस दौरान हर कॉमन पीपल को व्यापार करना इतना अलाउड नहीं था, क्योंकि हर व्यापार सेट क्षेत्र के अंदर लाइसनिंग सिस्टम था. और लाइसन मंत्री लोग अपने मामा के बेटे, चाचा के बेटे, भाई के बेटे के बेटे बेटे, बहन के बेटे के बेटे, इन लोगों को, इन्हें चाचावाद भतीजावाद चल रहा था. इन्हें मिनिस्टर लोग अपने ही रिश्तेदारों को लाइसेंस देकर व्यापार करने के लिए दिया जाता था. इसलिए क्या होता था, आम जनता को व्यापार करना इतना आसान नहीं था, और इस वजह से कॉम्पिटिशन इतनी नहीं थी. और कॉम्पिटिशन नहीं होने की वजह से क्या था, क्या था बोलो? कॉम्पिटिशन नहीं होने की वजह से क्या हुआ, ये लोग जो व्यापारी थे, जो गवर्नमेंट बोलो या गवर्नमेंट के चाचा के बेटे मंत्री हो के, उन लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करना, हाई प्राइसिंग करना, शॉर्टेज जबरदस्ती का फिक्टिशियस शॉर्टेज करना, ये सब करना शुरू हो गए. मिलावट करना, घोटाला करना, मिसलीड ऐड करना, लोगों को गुमराह करना, यानी क्या, इन शॉर्ट भाई, दिखाना कुछ अलग और देना कुछ अलग. इस तरीके से बिजनेस किया जाता था, जहां पे कंज्यूमर टोटली एक्सप्लॉइट हो रहा था. और ये बात इंडियन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही थी. रीजन क्या हुआ? तो रीजन ये इंडियन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आने की, एक्चुअली रीजन ये है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कॉमन पीपल अपने देश के मार्केट से इंटरेस्ट निकाल देगा तो उसका फायदा बाहर विदेशी लोग करेंगे. और अगर आप बात करूं 1947 से लेकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने तक, तो विदेशी कंपनियां आई थी कोलैबोरेशन करके. मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ. ये MNCs, फॉरेन MNCs इंडिया में बिजनेस कर सकती थी, लेकिन इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके. और ये लोग, विदेशी लोग इसको देख रहे थे कि ये कॉमन पीपल का इस खुद के दुकानों से उनका इंटरेस्ट निकल रहा है, यानी हमारे ऊपर रिलायबल हो रहे हैं वो लोग. क्योंकि अगर इंडियन पीपल्स का इंडियन मार्केट से अगर इंटरेस्ट निकल गया, क्यों? ड्यू टू मिसलीड एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग, ड्यू टू माल प्रैक्टिसेस बोलते हैं उसको, यानी गलत तरीके से ट्रेडिंग करना, मिलावट करना. आप देखो, अगर आप बात करोगे, आप जब छोटे होंगे तो आप अपने मम्मी पापा से पूछना, एक किलो अगर आप लेते हो कुछ, क्या बोलते इसको, एक किलो अगर आप ये लेते हो, जब ये गेहूं वीट, उसमें कम से कम 200 grams आपको उसके अंदर वो आते थे पहले कनकन, वो पत्थर वगैरह, उसका वेट जबरदस्ती बढ़ाने के लिए. आज आपको शायद नहीं के बराबर ही मिलता ये. पूछो क्यों? गवर्नमेंट अवेयर है. पहले अवेयर नहीं थी गवर्नमेंट. कंज्यूमर को लेकर बहुत निगलेक्ट किया गया. इस तरीके से कंज्यूमर दिन ब दिन एक्सप्लॉइट होते गया. एक्सप्लॉइट जितना प्रायोरिटी आज मिल रहा है, उस टाइम पे 0% मिलता था प्रायोरिटी. व्यापारी सिर्फ अपनी जेबें भरने के पीछे पड़े थे. और फिर क्या हुआ, फिर वहां पे कंज्यूमर के साथ माल प्रैक्टिस होते 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 आम जनता द्वारा एक मुहिम चलाई गई, कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर द्वारा कंज्यूमर की एक मूवमेंट चलाई गई, उसका नाम था कंज्यूमर मूवमेंट. अब फिर कंज्यूमर मूवमेंट ने क्या रोल प्ले किया, बताओ, सुनो. ये बात है 1947 से लेकर 1986 का, 6 के पहले तक का, यानी क्या 1947 से लेकर 1986 के बीच की मैं आपको कुछ सिनेरियो बताना चाहूंगा इस स्पोक सिस्टम के अंदर.
जो मैंने अभी आपको बताया कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था, सब हो रहा था, ये सब इस सिनेरियो के बीच की बात थी। और फिर क्या हुआ, आखिर एक इंसान, किसी ने बोलते ना चिंगारी का, एक मशाल के लिए चिंगारी ही काफी होती है, बोलते ना। वैसे कोई भी देश के अंदर अगर बड़े पैमाने पे कुछ करना है तो एक इंसान ही काफी होता है। तो किसी इंसान को बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ होगा, उसको इंसाफ नहीं मिला होगा, और इंसाफ न मिलते हुए उसने कसम खा ली होगी शायद से कि अब जहां कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा, जहां व्यापारी मिसलीड करेगा कंज्यूमर को, या माल प्रैक्टिस क्या होता है, गलत तरीके से ट्रेडिंग करना है ना, क्या ब्लैक मार्केटिंग करना, हाई प्राइसिंग इसको जो है ना, आपको हाई प्राइसिंग इसको बोलते हैं। जब देखो इस प्रकृति का नियम है, जो सरप्लस है उसका मोल कम होता है और जो डेफिसिट उसका मोल ज्यादा होता है, बराबर कि नहीं। लेकिन क्या होता है कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग किसको दिमाग में, ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, जो सरप्लस है जबरदस्ती उसको स्टोर करके हम लोग शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, और फिर शॉर्टेज क्रिएट करने के बाद फिर जब उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाती है फिर सप्लाई करते हैं, और वो हाई प्राइसिंग सप्लाई करते हैं, जहां पे उसका भाव 2 रुपए था वहां 20 रुपए में बेचते हैं उसको। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्या होती है उसको, आज गवर्नमेंट बहुत अवेयर है, आज ऐसा करो डंडे ही मारती थी पुलिस वाली, सीधा पुलिस वाले हाँ, ए प्लीज बिहेव, व्हाट हैपन, कुछ अच्छा दे रहा हूं समझो उस चीज को। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई भी एजेंसीज, रिड्रेसल एजेंसीज कंज्यूमर के लिए नहीं बनाई गई थी। कंप्लेंट्स सालों साल जाती थी कंज्यूमर की, यहां पे उम्र आती थी, बुढ़ा होता था, फिर आती थी तारीख, आ जाओ कंज्यूमर का, जाओ तो मिलो, नहीं चाहिए। इंसाफ के नाम पे कलंक था हमारा देश उस टाइम पे, अवेयरनेस नहीं था, लॉज में कोई परिवर्तन नहीं था, और कंज्यूमर दिन ब दिन एक्सप्लॉइट होता था, जहां पे अगर अवेयरनेस नहीं आता था तो आज क्या होता था, आज जो इतना इंपॉर्टेंस हमको इंडियन मार्केट को मिला है ना, आज जहां पे हम जाते हैं मोदी जी के पैर पड़ते हैं, वहां के कुछ प्राइम मिनिस्टर्स तो देखा हो ना आपने टीवी पे, तो इतना जो प्रायोरिटी हमको मिली आज मैं गर्व से बोल रहा हूँ कि आई एम इंडियन। ओके, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उतना हमें प्रेफरेंस आज मिल रहा है बिकॉज ऑफ अवर बिजनेस सेक्टर। आज पाकिस्तान वाले बोले आई एम पाकिस्तानी, उनको शर्म आती है, मुझे क्यों, इकोनॉमी ही नहीं उनकी वैल्यू हुई, गिरी हुई है, क्या है, बहुत सारी कंट्री ने तो उनका वीजा भी बैन कर दिया है। आप देखो आज मत जाओ, दूर रहो। और आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, आज हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियों ने वीजा फ्री कर दिया है हमको, आ जाओ सब घूम के जाओ, आ जाओ हमारे दर्शन के जाओ, सोचो। तो ऐसे देश में हम रह रहे हैं, यानी देश अब बोल सकते हैं हम सेफ हैंड है, क्या है, सेफ हैंड, अच्छा है, मजा आता है, यानी कुछ बाहर जाओ तो भाई जो हम लोगों को एकदम इग्नोर किया जाता था आज उनको प्रेफरेंस देते हैं, हमको हमारी भाषाएं लोग सीखते हैं बकायदा, इतना ज्यादा हमको प्रायोरिटी है आज। सोचो एक सेक्युलर कंट्री पूरे दुनिया के अंदर, शायद हमारी इंडियन ऐसी होंगी जो सेक्युलर होने के बाद भी एक ही है, क्या है, एक ही। कितने धर्म, कितने जात, कितने पात वाले लोग हैं जो एक साथ आज भी रह रहे हैं, और ये संभालना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्या है ये, बहुत बड़ी बात, समझा। इसलिए बोलते हैं हम, गर्व से बोलते हैं हम इंडियंस हैं, गॉट इट क्लियर, समझा। चलो अब हम बात करते हैं इस ईयर्स के पहले की। तो इस ईयर में हुआ क्या, इस ईयर में 1947 से भारत आजाद हुआ, और 86 वो बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिस बढ़ गई थी बिजनेसमैन की, अपनी मनमानी चला थे, अपने भाव, कोई गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं था, जहाँ नेसेसरी फूड से वो भी महंगा, भूखमरी से लोग मर रहे थे। आप देखो अगर वो एरिया में देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन ये एरिया में आई हुई ईयर्स के बीच में आपको मिलेगी, पॉवर्टी इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि गरीब लोग भूखमरी से मर रहे थे। आज शायद ही कोई होगा जो भूखमरी से मरा होगा, आज कोरोना की स्थिति में भी, महामारी आने के बाद भी, आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, मैं उसके लिए गर्व से बोलता हूं, नहीं सच में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे से हमारे देश को संभाल रहे हैं, इसका कोई भी हमें डाउट नहीं है, और शायद इसीलिए वो सिर्फ अपील करते हैं और हम उनको मान लेते हैं, यही होती है एक लीडर की क्वालिटी एक्चुअली। चलिए ध्यान दो बच्चे लोग, समझो
तो पावर्टी लाइन में लोग मर रहे थे, भूखमरी में मर रहे थे, इस ईयर के बीच की बात कर रहा हूं मैं, कौन से 1947 से 1986 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। इसमें क्या हुआ, एक कंज्यूमर ने इसी बीच में किसी दौरान एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने एक मशाल के लिए चिंगारी चालू किया। क्या उसने एक कुछ लोगों का ग्रुप बना के संगठन किया कि कंज्यूमर के हित में लड़ना है, जहां कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है वहां पे जाके हम उनके बिहाफ में लड़ेंगे, वहां पे हम लोग वो क्या बोलते अनशन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया, ग्रुप बनाया। उस ग्रुप ने क्या किया, जहां कंज्यूमर के साथ माल प्रैक्टिस हो रहा था वहां पे वो उसके साथ रुक के खड़े हो, जहां एक आवाज थी मान 10 आवाज आने के बाद बिजनेसमैन दबने लगा, व्यापारी डरने लगा, नहीं अब जनता जनार्दन जागृत हो रही है और कॉमन पीपल, हर कॉमन पीपल कंज्यूमर बनता है कभी ना कभी। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? लोगों ने देखा, देखो एग्जांपल में आपको प्रैक्टिकल दूं क्यों जरूरी है आज आवाज होना, बता रहा आपको। देखो मैं एक बार एक अपने मैं एक बार का अपना एक्सपीरियंस रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक बार मैं सिंधिकेन की दुकान में गया, वहां नाम नहीं ले सकता सॉरी ऑफिशियली, पेन चाहिए थी, रेड पेन, पेपर चेक करने के लिए गया मैं, पेन दो, 5 रुपए की पेन दिया, रेड पेन 5 की आती ना, नहीं बेटा 5 का देता मैं, इतना इतना सस्ता आदमी नहीं हूं, कम से कम 5 का दूं, ठीक है। हाँ लिया, घाई घाई में था मैं, तो मैंने चेक नहीं किया वहां पे। अब चेक नहीं किया, लेके आया मैं घर पे, तो लेके आने के बाद वो लिंक पेन नहीं आती, लिंक पेन नहीं आती, आपको जेल पेन आती, लिंक बहुत चलती थी पहले, लिंक लिंक नाम की कंपनी थी उसकी पेन आती थी, लिंक ब्लू कलर आती, ब्लू कलर की बहुत चलती थी पहले, हाँ वैसी रेड पेन थी हमारी उसमें थी, तो दिया मेरे को, जेल पेन थी, मैंने यूज नहीं किया, मैंने गया घर पे, घर जाने के बाद देखा चल रहा ही नहीं, टिक ही नहीं हो रहा, घाटा नहीं करता मैं, कॉमर्स वाला बच्चा भाई। उसी दौरान दो मिनट के अंदर क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर मैं गया कहां पे, वो भैया के पास, और बोला भैया ये पेन नहीं चल रही, क्या है ये, अब इतने में क्या हुआ, इतने में वो भैया ने डिनाय कर दिया, किया है मैंने तो ना मैं तुमको दिया था भाई पेन, मतलब भैया पेन नहीं चल रही आपकी, आप देखिए उसने ट्राई किया नहीं चल रही थी सही में, उसने देखा तो उसमें रिफिल में पूरी ब्लैंक इंक की पूरी निल थी, निल एकदम, रिफिल निकाला उसने, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था वो, एक्चुअली होता है कभी कभी 10 पेनों में एक आधे इंक में नहीं आती है, फिल नहीं होती है इंक उसके अंदर, तो रिफिल पूरी निल थी उसकी, मना करा था कि नहीं नहीं हमने आपको दिया था, हमको तो मालूम, भैया 2 मिनट पहले लग गया था आपसे, मैं बोला नहीं हम वापस नहीं करेंगे, जो है देखो तुम्हारी गलती, तुम चेक कर नहीं गए, बोला मैं घाई में था, मेरे को पेपर देना थे बच्चों को, एग्जाम में उनकी। उतने में क्या हुआ, उतने में वहां पे एक लेडी खड़ी थी जो उससे वो लेस लेती, लेस अब लड़कियां ना लेस लेने में बहुत टाइम लगाती है, आप देखा होगा 10 10 10, अब स्टेशनरी दुकान थी तो सब वहां पे था, उसके पास लेस सब था, उसके पास यानी मिक्स थी पूरी, हाँ मैं नाम किसी का नहीं लूंगा प्लीज, ऑफिशियली मत लेने दो, आप समझ गए होंगे कौन दुकान थी, कटलरी ये सब था रखता हो अपने पास। अब इतने में क्या हुआ, वो डिनाई कर रहा था क्योंकि 5 रुपए का नुकसान उसको भी नहीं करना है, मेरे को भी नहीं करना है। इतने में क्या हुआ, वो लेडीज थी उसने बोला भैया सही तो बोल रहे हैं, आप भी तो 2 मिनट पहले आपके सामने आए थे, ये ऐसे ठगी करूंगा तो मेरे को भी सही नहीं ना, ऐसे करते क्या, अभी आपके सामने 2 मिनट पहले वो आपके सामने ही आया बंदा आपसे आपको लेके गया। अब वो लेडी को मैं जानता भी नहीं था, हालांकि अननोन, पर उसने लगा कि नहीं यार ये पर्सन सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हेलो प्लीज। वहां पे उसने क्या किया, उसने मुझे वहां पे मेरे साथ उसने आवाज उठाई, वो भैया का मुंह कड़वा था एकदम, शक्ल उसने कड़ी बनाई, अब कड़वी शक्ल बना के उसने जैसे जैसे उसने पेन रखी गुस्से से अपने नीचे और दूसरी पेन दिया, चेक करके दिया, प्लस चेक कर लो सही है और देखे बोला जाओ हो गया, और मैं चले गया वहां से।
अब ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया आपको क्यों दिया बताओ? अकेला मैं बोल रहा था तो नहीं देखा, जब दो लोगों ने एक साथ बोलना शुरू किया तो अपने आप बिजनेसमैन दब गया और वो जो माल प्रैक्टिसेस करने की सोच रहा था वो गलत तरीके से वो रोक दी उसने, क्या किया उसने? रोक दी। ये होता है द पावर ऑफ कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स। और इसी को मैं आपको यहां पे बता देता हूं कंज्यूमर मूवमेंट की स्टार्टिंग कहां से हुई। तो क्या हुआ इस दौरान 1947 के दौरान और 1986 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने, कॉमन पीपल्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, उसको नाम दिया कंज्यूमर मूवमेंट्स। और उन्होंने बोला कि ये टोल फ्री नंबर है, कॉमन पीपल, देखो कॉमन पीपल जो जानते भी नहीं, शायद उनका कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ होगा इसलिए वो लोग धक्का लगा होगा अंदर उनको, इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया, कॉमन पीपल द्वारा बनाया गया संगठन, कंज्यूमर द्वारा, कंज्यूमर की, कंज्यूमर के लिए बनाया गया मूवमेंट, मुहिम, एसोसिएशन, उसको नाम दिया कंज्यूमर मूवमेंट। क्या बोला उसने? इसने क्या किया, जहां कंज्यूमर एक्सप्लोरर था वहां पे उनके बिहाफ में खड़े हो गए, बस आप टोल फ्री नंबर करो, आप इंडिया के कोई भी कोने में आएंगे आपके साथ, जहां आपका फ्रॉड हो रहा है वहां आओ। इसको देखते क्या हुआ, लोग जुड़ते गए, एक सिटी से आया हुआ एक एसोसिएशन ग्रुप, लोग अवेयर होते गए, रजिस्टर होते गए और उसने पूरे देश में जागरूकता फैला दी। यानी क्या, कंज्यूमर मूवमेंट इतना बढ़ गया ऑल ओवर इंडिया चलने लगा। अब जैसे ही इंडिया में कोई एकदम फ्रेश ताजा कोई मैटर आता है तो मंत्री लोग जागरूक जाते हैं, क्योंकि ये अब पब्लिक की डिमांड है। क्या ये मंत्री लोगों तक के, यानी पुलिस भी कंज्यूमर मूवमेंट से डरने लगी, व्यापारी लोग माल प्रैक्टिसेस रोकने लगे, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी हाई प्राइसिंग जबरदस्ती का उसको धीरे-धीरे दबाते गए ये लोग कंज्यूमर मूवमेंट पर। यानी देखो एक प्राइवेट बॉडी एक मूवमेंट चला रही, जो काम सरकार को करना चाहिए वहां पे ये प्राइवेट हम लोग कॉमन पीपल मिलके करने लगे और वहां पे कंज्यूमर के साथ जो माल प्रैक्टिस हो रही थी उसको दिन ब दिन रोकते गए। और ये बात दिल्ली तक पहुंची, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे सारे एमपी तक के बात पहुंची और आखिर जहां पे स्ट्राइक सुन लगी, जहां पे वो अनशन होने लगी कंज्यूमर के लिए, बहुत सारे कि हमारे को हक चाहिए हमें, और वो हक के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री देना बहुत जरूरी था भारत के संविधान के अंदर। इसलिए एमपी ने निर्णय लिया कि अगर अब ये मुद्दा पूरे देश का है, क्या है, देश भर में फैल गया है, कंज्यूमर मूवमेंट इतनी बढ़ गई कि मंत्रियों तक के बात पहुंच गई, अब बोला नहीं, अब ये मैटर पे अगर हमने नहीं लिया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। और एमपीज ने 1986 के अंदर एक कंज्यूमर के लिए एक्ट बनाया और पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास किया। कोई भी एक्ट कैसे पास होता है मैंने आपको बताया हुआ है, ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर एक एक्ट पास किया, बिल पास किया, वो बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति ने बिल पास करके उसको कंज्यूमर को एक्ट दिया। उस कंज्यूमर के एक्ट ने पूरे इंडियन मार्केट की दशा ही बदल दिया। और वो कंज्यूमर के लिए जो एक्ट बनाया गया उसका नाम पड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके ऊपर आपका चैप्टर का नाम टाइटल दिया गया है। अब देखो मैंने आपको सब चैप्टर का टाइटल नहीं बनाया, कहां से आया ये मैं आपको वहां से लेके आया हूं, आप समझ में आ रहा है आपको। और उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आज की तारीख में जो मैंने बताया कंज्यूमर सेंटर पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्ट ने दिया है हमें, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मूवमेंट इनफॉर्मल चल रही थी, उसको फॉर्मली घोषित करने के लिए क्या बनाया गया, एक्ट बनाया। और उस एक्ट का बेनिफिट क्या है बताओ, उस एक्ट ने आज कंज्यूमर को राइट्स दिए हैं और उसका नाम दिया राइट्स ऑफ कंज्यूमर। आज जो गर्ल्स लेडीज वेयर में जाती है और लेडीज वेयर में जाने के बाद पूरा आधा पौन दुकान खुलवा देती है, 3-4 दुकान,
भैया और लाओ और लाओ और लाओ, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। फिर दुकानदार आखिर बोलता है, बस मैडम माल खत्म, स्टॉक खत्म, इतना ही है। भैया और है क्या? नहीं। अच्छा भैया कब आएगा? भैया कब आएगा? अगले हफ्ते आएगा बहन जी। ठीक है भैया, एक काम करते, अगले हफ्ते में फिर आऊंगी, आज के लिए रहने दो। वो मन ही मन दुकानदार वो बहन जी को बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ बोलता होगा अंदर ही, है ना, बहुत कुछ बोलता होगा अंदर अंदर, लेकिन वो उसको बोल नहीं पाता है। और वो जो बहन जी आती है दुकान के अंदर, वो पूरा दुकान खुलाने के बाद एक चीज नहीं लेके आती है, बोलती है अगले हफ्ते फिर आऊंगी, और वहां से चली जाती है। वो जानने का जो राइट था, राइट टू चूज, राइट टू सेलेक्ट, ये हमको दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और हमारे राइट्स बन जाते हैं बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब दो लोग डील करते हैं तो एक के राइट्स, दूसरे की जिम्मेदारियां, दूसरे के राइट्स, पहले वाले की जिम्मेदारी। आप समझे क्या? आज हम अगर मैं ये राइट्स आपको प्राण लगा, वो राइट्स जब आप पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे सर हम तो ये रोज यूज करते हैं अपने रोजमर्रा के लाइफ के अंदर। बिल्कुल, वो आप करते इसलिए हो क्योंकि आपको वो जन्म अधिकार दिए गए बीइंग अ कंज्यूमर, और वो अधिकार आपको किसने दिए गए? इस देश के एक्ट ने नाम दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पहले 1986 था। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है अच्छे से? अब बताओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने के पहले क्या चलाया गया? कंज्यूमर मूवमेंट। क्या चलाया गया? वो मूवमेंट इतना देश में बढ़ने लगा, पूरा वर्ल्ड में चलने लगा, देश में कंज्यूमर का प्रायोरिटीज बढ़ने लगा, उसकी वजह से गवर्नमेंट जागरूक है, गवर्नमेंट ने एक्ट ही बना दिया, लो तुम्हारे लिए एक्ट। और उस एक्ट ने दो काम किए, पहला आम कंज्यूमर को, मतलब आम जनता तो कंज्यूमर, क्योंकि एवरी पर्सन कंज्यूमर, बराबर कि नहीं, हर कंज्यूमर को उसने कुछ राइट्स दिए, और वो राइट्स लेके आज हम बिजनेसमैन से डील करते हैं। आज देखो एक बिजनेसमैन यानी मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, जो आपको वो गुड्स के ऊपर नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जो आपको लिख के था ना, पहले नहीं था, पहले कुछ नहीं था, आज गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फसाई ISI आप देखते हो ना, अरे ISI मार करता ना, ये क्यों बनाए गए? कंज्यूमर का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर का अधिकार है इसके पास। आज कोई भी फूड के आइटम में फसाई का टैग लगा नहीं हो तो वो गवर्नमेंट हमको बेचने नहीं देती, क्योंकि कंज्यूमर का ये बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है, राइट टू हेल्थ, यानी हेल्थ देना, सेफ्टी देना, सेफ्टी ये किसका काम है? कंज्यूमर को सेफ्टी देना ये किसका जिम्मेदारी है? बिजनेसमैन की। मैंने कहा ना कंज्यूमर को राइट से क्या किया उसने, एक तीर पे दोनों हमारे, कंज्यूमर को राइट देकर यानी बिजनेसमैन को जिम्मेदारी देता कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है भैया, व्यापार कर रहे हो ना यहाँ पे, ये राइट्स के अगेंस्ट अगर तुमने व्यापार किया तुम्हारी दुकान उसी दिन सील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाहे फिर वो सर्विस से डील करो, चाहे वो गुड्स से डील करो। और आज ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आप बड़ी बड़ी कंपनी को डर देकर कोई भी काम करवा सकते हो, लेकिन गलत नहीं करवाना। गलत कराऊंगी क्या? जस्टिस, लॉ इज मेड अप फॉर जस्टिस, ओके, जस्टिस के लिए लड़ो, गलत के लिए नहीं, समझा? अच्छा, अब और ये काम किया, थ्री टायर क्वाजी जुडिशियल मशीनरीज दिया। अब ये कैसा? देखो दो चीज दिया, दो चीज दिया, पहले पहले पहला कौन सा? राइट्स ऑफ कंज्यूमर, और वो राइट्स देकर उसने क्या कर दिया? बिजनेसमैन क्या कर दिया? जिम्मेदार बना दिया कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे आ रहा क्या तुमको? आज अगर कोई चीज के ऊपर एक छोटा सा कस्टमर अगर कोई बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर उंगली ला दे उंगली, वो जीत गया केस अगर, तो बड़ी से बड़ी कंपनी को बंद करता है। हमने जीता था, एग्जांपल देखा मैगी का, मैगी का एक पर एक बच्चे को फूड पॉइजन हुआ था, उसके बाप फादर मदर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अपनी कंप्लेन दाखिल किया, मैगी जैसी कंपनियां हिल गई, करोड़ों रुपए का कंपनसेट जब किया, कंप्लेन वापस ली गई, तब जाके मैगी को रीओपन किया गया। सोचो
इतना पावर है, आज एक बिस्किट के अंदर अगर बाल मिल गया, बाल तुमको गलती से, बाल का टुकड़ा, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी को आप बंद कर सकते हो। और मजे की बात क्या है, आज की तारीख में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना एक्टिव हो गया है कि आपको कंप्लेन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने मोबाइल फोन में बैठे बैठे कंप्लेन कर सकते हो। सर अरे अगेंस्ट है ना वो, कोई फूड के अंदर बाल मिल रहा है तो खाने के लिए, हाँ तो वो कंपनियां प्रूव करती है, अलग बात है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पे अटेंशन हियर। आइदर मैं बंद कर दूंगा, नॉलेज देना बंद कर दूंगा, मैं को लॉन्ग कट भी आता है, शॉर्ट कट भी आता है, सुनो अब मैं कंज्यूमर इस चैप्टर में इतना डिटेल में फिर नहीं लूंगा, मैं अभी ले रहा हूं, बता रहा हूं, मैं पर्पस सब कर रहा हूं आपका। अब सुनो ध्यान दो, अब इसमें दूसरा काम किया, थ्री टायर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी देकर, क्वाजी जुडिशियल मशीनरी, सिंपल बताऊं, थ्री रेड्रेसल एजेंसी दिया। अब ये रेड्रेसल एजेंसी क्या है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तीन सेपरेट कोर्ट, यानी क्या सर, देखो कॉमन पीपल को राइट्स दी गए, वो राइट्स लेकर, सर राइट्स नहीं होते तो सुनो, राइट्स क्यों जरूरी है आपको, आपके पास राइट्स है इसलिए आप कंप्लेन दाखिल करते हो, यानी पहले ये एक्ट के पहले कंज्यूमर कंप्लेंट भी दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जिसका एक्ट नहीं है उसकी एफआईआर होती नहीं है यार, इतना हमेशा हेलो, इस देश के नहीं इंडियन लॉ के अंदर जिसका एक्ट नहीं है उसकी कोई एफआईआर होती क्या, नहीं, यानी इन शॉर्ट ये 1986 में जब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था तो कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट भी दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस वाला बोलेगा मैं क्या करूं कंप्लेंट, लॉ ही नहीं बनाए, और इसका ही नाजायज फायदा कौन ले रहे थे, व्यापारी लोग, बिजनेसमैन, चाहे इंडस्ट्री से करें चाहे कॉमर्स से, समझा मेरी बात, इन्हें एक्ट ने क्या किया, आज जो हमारी दलीलें सुनी जाती है, आज जो हमारी कंप्लेंट्स सुनी जाती है, एफआईआर होती है जिसके ऊपर, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे लिए एक्ट बनाया, क्या नाम बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। योगेश खैरो आप भी खैरो सुनो, हाँ, अब इस एक्ट ने और धमाका क्या किया, ना तो सिर्फ कंज्यूमर को राइट्स दिए जिसकी वजह से कंज्यूमर ने अपनी कंप्लेंट्स दाखिल करना शुरू की, एफआईआर किया, बल्कि बल्कि एक दूसरा भी और काम किया, बोलो कौन सा, सुनो दूसरा काम ये किया उसने, नॉर्मल कोर्ट में कंज्यूमर तुम केस मत लड़ो, पूछो क्यों, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में तारीख आने में उसको आधा जन्म उसका लग जाता, आप देखो तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर बस सुनाई जाती तारीख, ये सनी देओल का डायलॉग है, बताइए, और नॉर्मली होता ही है, एक केस को सॉल्व होने में नॉर्मल कोर्ट के अंदर चलता है सालों साल, यानी एक नॉर्मल सा चिल्लर सा केस भी आप चलाया ना, जज बोलेगा अगली तारीख अगली तारीख अगली तारीख, इंसाफ तो पता नहीं, लेकिन तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, चलना बेटा, ओके यस, तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए अलग से कोर्ट बनाया, और थ्री कोर्ट्स, तीन टाइप की कोर्ट बनाई एजेंट, इसको बोलते हैं रिड्रेसल एजेंसी, क्या बोलते हैं हम, थ्री टायर क्वाजी ज्यूरिडिक्शन मशीनरीज, यानी थ्री एजेंसीज, तीन टाइप की अलग से कोर्ट बनाई गई, उस कोर्ट को नाम दिया, पहला नाम दिया बोलो कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा दिया डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन, और तीसरा दिया नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये थ्री क्वाजी ज्यूरिडिक्शन मशीनरीज बनाई है सर, है क्या ये बताओ, ये तीन टाइप की अलग से कंज्यूमर के लिए कोर्ट बनाई गई है, और मात्र 30 दिन के अंदर,
मात्र 30 दिन के अंदर इस कोर्ट के अंदर निर्णय आपको मिल जाएगा। और मजे की बात क्या है, नो नीड टू एडवोकेट, आप अपनी केस खुद लड़ सकते हो खुद। अब इसके अंदर जज होता है, यस इसके अंदर भी जज होता है, जज के साथ और दो लोग तीन लोग बैठते हैं मेंबर्स, और फिर वो आपके लिए 30 दिन के अंदर आपको डिसीजन सुनाते हैं। अब सर तीन कोर्ट क्यों, एक ही कोर्ट बनाती थी तो भी चल जाता था, नहीं चलो। अब थ्री कोर्ट का बेनिफिट क्या है, अच्छा कुछ चीजें हम रखें क्या उधर के लिए भी, कुछ सस्पेंस जरूरी है बोला हर चीज हम लोग, ओके क्लियर। हाँ तो अब बताओ आज इन तीन कोर्ट का धमाका क्या हुआ बताओ, आज धमाका ये कि कंज्यूमर अपनी केस खुद लड़ सकता है बिना एडवोकेट के फीस के। और एक बार अगर तुम लोग इस कोर्ट के अंदर कोई भी डिसीजन जीत जाते हो तो बेनिफिट क्या है पता है आपको, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप ना तो सिर्फ केवल उससे लॉस जो हुआ आपका गुड्स का वो मांग सकते हो बिजनेसमैन से, बल्कि आप अपना कंपनसेशन भी मांग सकते हो। और यही मैंने किया था एक सैमसंग कंपनी पे, मैं आपको एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ रहा हूँ। यस यस आई वॉज इन सेकेंड ईयर, मेरी लाइफ की सबसे पहली कमाई थी ट्यूशन क्लास से। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो वननेस कॉमर्स क्लास ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, अनऑफिशियली तो 12th से शुरू था। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो ऑफिशियली वननेस कॉमर्स क्लास का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ध्यान से समझो। उस टाइम पे मेरे पास 8 बच्चे थे, 8,000 रुपए मेरी साल 2 साल की फीस थी, तब फीस वही था कॉमर्स में। ए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, नहीं सुना बंद करो जाओ घर पे, तुमको कुछ एक्सपीरियंस दे रहा हूं समझो उस चीज को। कोर मेरी मोबाइल, मेरे पास मोबाइल फोन तब तक मेरे पास मोबाइल फोन नहीं थी। मेरे पास शादी एक घर में कॉमन डब्बा देता था रिलायंस का, बस वो ही था घर में कॉमन डब्बा। मेरे पास एंड्रॉइड नहीं थे तब, जबकि मेरे सभी फ्रेंड के पास उस टाइम पे एंड्रॉइड तब तक आ गई थी, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी, बता रहा ना। तो सेकेंड ईयर में मेरे पास कोर टू, मैंने फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट सैलरी से, यानी जब पैसा आया था फीस का मुझे क्लास बनाने के बाद, शादी सिंपल खर्चा करने के बाद, मेरे को 8,000 या 9,000 रुपए शायद बचे थे इंस्टॉलमेंट्स, तो मैंने सेव किया। तो मम्मी ने बोला, दोस्तों ने बोला, और मेरी एक फ्रेंड थी अच्छी, क्या ये बहुत सपोर्ट करती थी, यानी एक अच्छी सपोर्टिंग फ्रेंड थी मेरी बहुत अच्छी। हाँ नीम के बड़े सिस्टर ही थे वो एक्चुअली, अब वो मैरिड है, ओके मैरिड है ना वो, नीव के सिस्टर थे एकता गुरबानी। कॉलेज में हम लोग टक्कर में आते थे, यानी क्या कभी वो आगे तो कभी मैं आगे, ऐसे हम दोनों की कॉम्पिटिशन। तो हुआ क्या था वहां पे, तो मुझे एकता ने सजेस्ट किया कि अंकुश अभी तो मोबाइल ले ले इससे। तो मोबाइल क्यों, मैं भी चल रहा ना बराबर टाइम, फिलहाल सेविंग होंगे मेरे को थोड़ी, तो नहीं ले ले मोबाइल क्योंकि अभी तो बुक्स बना रहा है। तब उस टाइम पे मैं बुक ड्राफ्ट कर रहा था एक्चुअली, वो मेरे को बहुत असिस्ट कर रही थी, मतलब मेरी ग्रामर थोड़ा वीक था उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट करने के वाले, क्योंकि मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास मैम के पास बाद में लगाई और मैम ने मेरा ग्रामर अच्छा किया है एक्चुअली, जो आपकी मैम है ना इंग्लिश वाली मैम, उनके पास मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। एक मिनट प्लीज। तो मेरा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं था, आइडियाज इनोवेशन बहुत अच्छे थे लेकिन कंस्ट्रक्शन मेरा प्रॉपर नहीं होता था। तो एकता ने मुझे क्या बोला कि काम कर, तू मोबाइल फोन ले, न्यू कंस्ट्रक्शन ऐप आते हैं बहुत सारे, उसमें तू मतलब डिक्शनरीज कुछ डाउनलोड कर दे और उसके सब्स्टिट्यूशन वर्क कर दे, इजी कर दे और अपन इजीएस्ट प्रश्न आते हैं। तो मैंने मोबाइल फोन लिया था उस टाइम पे कोर टू, वो टाइम पे कोर बहुत चली थी मोबाइल, कोर सैमसंग का कोर बहुत चला था, कोर टू उसने नया मॉडल लॉन्च किया था, कोर बहुत अच्छा था, कोर टू फेल गया था उसका सैमसंग का। सुन रहा हूँ क्यों, सुनो पता ना मैं क्या, मेरा फ्रेंड था मनीष खान चनानी, उसकी मोबाइल की दुकान,
ओके अब मोबाइल की दुकान है, सब चलती वो थी बहुत, आज भी चलती शायद वही है, मेरे को अभी मैं नोविस हूं अबाउट इट, लेकिन चलती काफी अच्छी है। तो मैंने बोला मनीष अच्छी मोबाइल दे, तब मेरी मामा की बेटी के पास कोर थी, तो उसने बोला कोर अच्छी है ले ले, कोर सीरीज अच्छी दिया है। मैं मनीष कोर टू अच्छी है, बोला हाँ अच्छी है। तो 12,000 रुपए की समथिंग कोर थी, कोर टू थी, तो 10,000 रुपए मेरे पास थे, 2,000 रुपए मेरे को सेविंग मम्मी ने दिए थे अपने, फिलहाल मेरे को देना बाद में देना फिर ठीक है कोई बात। और मोबाइल फोन में इसके लिए नहीं था कि मैं को चलाऊं, मोबाइल फोन इसके लिए मैं बुक ड्राफ्ट करा था उस टाइम पे, और मुझे नए नए वोकैबुलरीज चाहिए थे, और मोबाइल पे तो पूरी दुनिया थी तब भी, कोई इतना कोई पुरानी बात नहीं है, 2013-14 की बात कर रहा हूँ मैं समथिंग। तो उस टाइम पे मोबाइल का क्रेज अच्छा था काफ़ी। मोबाइल ली गई, लेने के बाद क्या हुआ, मोबाइल चला रहा था ना मैं, या किसी की फोन आती तो एकदम बहुत एबनॉर्मल हीटिंग कर रही थी, इतनी गर्म आ जाती थी कि बस अभी बस छोड़ दूं मैं, ऐसे अगर गलती से मैंने कान रखा तो कान ही पूरे से लाल लाल लगते। अब उस बात को हो गए थे, अब मैंने एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसा बोलता ना थी कि आगे नहीं होगा सर नहीं होंगी इसलिए बोलते ना ऐसे, तो मैंने भी रखा भाई ठीक है होप है। इस दिन को बात हो गए थे 12-15 दिन, वो दिन ब दिन एबनॉर्मल हीटिंग हो ही रही थी, ओवर हीटिंग बोलते ना किसको बोलते हैं भाई, एक नॉर्मल हीटिंग ठीक थी समझ में आई बात, लेकिन ओवर हीटिंग बहुत खतरनाक थी वो एक्चुअली। तो हुआ क्या वहां पे, वो एबनॉर्मल हीटिंग होने की वजह से मैं मनीष के पास वापस गया, दोस्त था अच्छा मेरा, बहुत अच्छा दोस्त था, आज भी अच्छा दोस्त है मेरा वो। मैंने उसको बोला कि भाई मनीष ये फोन तो बहुत एबनॉर्मल हीटिंग हो रही है, तो मुझे उसने एकदम पोलाइटली बोला कि अंकुश मैं ले लेता हूँ कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है मालूम है क्या, ये मैं लूंगा ना अभी तो ये मेरे गले में आ जाएगी बात, ये तू एक काम कर, तू कस्टमर केयर के पास जा, वो तुझे खुद ही सॉल्व कर देंगे, नहीं होता तो मेरे को पता, लेकिन मैं ले लूंगा ना तो क्या होगा मेरे गले में आएंगी बात, दूसरा मैं तेरे को पीस ये भी दूंगा चल मानता हूँ, लेकिन एबनॉर्मल हीटिंग हो रही है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या ये, तो तू काम कर तू कस्टमर के पास जा एक बार जाके देख क्या बोल रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से करूँ मैं सही है, वो मोबाइल घर में आ रहा कंपनी की फोन है, इतनी बड़ी कंपनी तब सैमसंग तो काफ़ी अच्छे से चलती थी ना, हाँ उस टाइम पे सैमसंग ही चलती थी, ये बाद में आए MI बाद में आए बहुत बाद में आए ये, उसके बाद ये भी नहीं था उस टाइम पे, तो ये कौन सी ओप्पो वगैरह वीवो ये बाद में आए सब, ये 15 के बाद धमाल किया उन्होंने। तो हुआ क्या मैं कस्टमर केयर के पास गया और कस्टमर केयर वालों को बोला कि मोबाइल एबनॉर्मल हीटिंग कर रही है, उसने देखा बराबर एग्जीक्यूटिव ने कि सच में ठीक है सर आप रख के जाइए हम इसकी IC चेंज कर रहे हैं, मतलब IC चेंज करें मतलब नई मोबाइल में IC करोगी मेरी, उसको कंपनी की नहीं कंपनी हमने कुछ नहीं नया पीस टू पीस दो क्या लोग उसको ना नया पीस टू पीस दो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भैया बराबर कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के बाद भी सर हम आपको रिप्लेस पीस टू पीस देते थे अगर आप 10 दिन पहले आते थे तो, मैं 10 दिन पहले आने क्या जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भैया 10 दिन क्या 15 दिन पहले आऊं मैं, अगर ये कल को ब्लास्ट हो गई या कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन लिख के दो मेरे को, चलो राइटिंग में आप करोगे में जिम्मेदारी उसकी, मतलब अगर अभी अगर आपने रिप्लेस नहीं किया इसको तो मैं एडवोकेट हूँ मैं कंप्लेन करूँगा आपकी, अब उसको डरा रहे उसको लगा डरा रहा हूँ मैं बराबर कि नहीं, अब 12th में कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुमको ही तो हमको भी था, ऐसा नहीं कि हमारे टाइम पे नहीं था, और एक पढ़ाई का एजुकेशन का यूज यही होता है एक्चुअली बता रहा मैं आपको। उसने किया उसने बोला सर रिप्लेस तो नहीं होंगी पीस टू पीस, एक काम करो आपको मैं इसके अंदर IC जो IC है वो चेंज कर देता हूँ मैं, मैंने बोला नहीं मोबाइल को मैं खोलने भी दूंगा नहीं, मैंने पैसे बोल दिए ना कोई सेकेंड तो नहीं लिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मेरे को IC नहीं मेरे को पूरी मोबाइल चाहिए नया, नहीं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने क्या कंपनी को फ़ोन किया ऊपर और कंपनी के एग्जीक्यूटिव से कस्टमर केयर से मुझे कॉल आई कि सर ऐसी बात है आप बिल्डास होके IC चेंज कराइए हमारे पॉलिसी में वही आता है, हम आपको सर्विस दे रहे ना ऐसे नहीं दे रहे, मैंने सर्विस नहीं चाहिए मेरे को पीस टू पीस रिपीट मेरे को पूरा वापस चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपने सर्विस IC डाली क्या भरोसा कि फिर आप नॉर्मल हीटिंग नहीं होगी, और ये क्या बार बार मैं काम कर दूंगा क्या, मैं बिजी इंसान हूँ ट्यूशन क्लास लेता हूँ मैं अपनी, मेरा दिन ब दिन वहाँ खोट हो रहा है आपके पास बैठ रहा हूँ मैं, 3-4 बार जाना पड़ा मुझे वहाँ पे नहीं माना है, मैंने ठीक है सर एक काम करता हूँ लास्ट उन्होंने आप करके दे रहे हो रिप्लेस नहीं तो मैं कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करूँगा आपकी 3 टायर, नहीं बोला कोई बात नहीं।
मैंने क्या किया, ऑनलाइन वेबसाइट है उनकी, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ पूरा प्रोसीजर कैसा होता है, वहां पे ऑनलाइन कंप्लेन दाखिल कर दी। 3 दिन बाद अब क्या हुआ, ऑनलाइन कंप्लेन दाखिल होने के बाद सैमसंग कंपनी लिमिटेड के ऊपर, कंपनी के ऊपर मैंने FIR कर दिया ऑनलाइन, कोई जाने की जरूरत नहीं। FIR होती है ना इसकी, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट टू सेफ्टी की अगेंस्ट। क्या लगाया मैं टारगेट वहां पे, राइट टू सेफ्टी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन, बराबर कि नहीं? अरे मेरे राइट्स तो बिजनेस के क्या हुए, जिम्मेदारी। मतलब जल जाएगा वगैरह मैंने लिखा उसमें पूरा इंग्लिश में, पूरा ड्राफ्टिंग किया अच्छे से पूरा, और उसको मैंने कर दिया। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, कोई भी लैंग्वेज चलती, हिंदी, मराठी, गुजराती, समझा आपको क्लियर? तो मैंने इंग्लिश में लिखा। 3 दिन के बाद कंपनी का मुझे कॉल आया, सर आप कस्टमर के चाहिए अपनी मोबाइल फोन लेके, हम आपको रिप्लेस कर देंगे। ना रिप्लेस नहीं, अब मुझे कंपनसेट भी चाहिए। अरे मेरा टाइम खोटी हुआ ना भाई, ट्यूशन क्लास छोड़ के मेरा टाइम खोटी हुआ, यहाँ तो फिर मिल लेंगे केस में, आ जाइएगा कोर्ट में। फिर तारीख आई, 15 दिन के अंदर तारीख आई, पहले केस गई लोक अदालत में, पीपल्स कोर्ट। सुना है आपने सिविक्स में, लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, क्या होता है, कोई भी नॉर्मल जो केस होती है ना, पहले आती है लोक अदालत में, सिविल के सारे सिविल के। लोक अदालत में क्या होता है, एक नॉर्मल ऑफिसर बैठता है और दो पार्टी पक्ष आपस में बैठते बोलते समझौता करो, समझौता भाई आपस में अगर इनफॉर्मल वे से समझौता कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस वो केस जाएंगी आपके रेगुलर कोर्ट में जहां से आई है वो। फिर क्या हुआ, लोक अदालत में आया वो कंपनी को, मालक आया, मतलब मालक नहीं वो कंपनी को ऑफिसर आया। अब कहां से आया मुझे पता नहीं, आपको लगा होंगे बाहर का मुझे पता नहीं है। बोले सर क्या कंपनी को केस कर रहे हो, छोड़ो ना सर चिल्लर बात है, आपको कंपनी रिप्लेस दे रही ना अभी। ना नहीं पहले क्यों नहीं किया, मैं 4 बार गया, मैं पागल हूँ क्या, 4 बार तुम्हारे पास मैं आ रहा हूँ, 1.5 घंटा झगड़ा करता हूँ वहाँ पे, करो क्या मेरे मेरे वर्ड्स, मेरा गला खराब हो गया मेरा, वो कंपनी करेगा, डॉक्टर को 3 बार दिखाया मैंने चला चला के, बराबर कि नहीं? अब 2 दिन बात तो करनी थी ना, चाहिए था ना कंपनसेशन। बोले सर देखो कंपनसेशन मत लो, आपको मोबाइल टू पीस अभी बोलो तो चलो अभी रिप्लेस करता हूँ। ना नहीं जान दो केस वापस, वहां बात करेंगे। गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉर्मल कोर्ट, इसके अंदर एक कंज्यूमर कोर्ट भी है। आपने कहा बहुत सारी कोर्ट है अंदर, तो एक कंज्यूमर कोर्ट अलग है उसके अंदर। वहां गया जज बैठा कोई, तो भी क्या हुआ दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट, फिर डिबेट चले, हम लोग गए राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट, मेरे पास राइट्स है कि मैं ये गुड्स को रिप्लेस करूं, अगर ये एबनॉर्मल हीटिंग हो रही है और कल को कुछ जल गया, ब्लास्ट हुआ, या मेरा कान कुछ हुआ, या मैं घर में अकेला अर्नर हूं कमाने वाला, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा मुझे कोई नहीं कमाता मेरे यहाँ पे, थोड़ा 2-3 टेंडर भर दिया मैंने जस्ट, हमने इमोशनल हो गया, वो इमोशनल हो गया, बोला चलो यूज करो, 10 मिनट जज ने उठाई फोन फेंक दिया, बोला ये तो बहुत एबनॉर्मल, सोचो सर मैं कैसे इतने दिन से कर रहा हूँ ये हैंडल, आप बताओ मुझे। उसने मेरे को विन दे दिया भाई इसको करो। मैं सर आई वांट कंपनसेशन आल्सो। कितना? 10,000 रुपए। 10,000 की फाइल दी, 10,000 का नहीं 7,000 का कंपनी ने चेक दिया मेरे को बना के, और फिर मतलब 10,000 की मोबाइल भी मिली रिप्लेसमेंट, ये पूरा पीस टू पीस, और 7,000 रुपए मुझे कंपनसेशन मिले क्योंकि मैंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया वहां पे। यानी मैंने कोर्ट को ये बताया कि मेरा काम धंधा पूरा रुक गया था, वो मुझे फीस दो बस मेरी, जिसकी वजह से मैंने अपनी क्लासेस इतनी मिस किए, जिसकी वजह से मेरी रेपो खराब हुई प्रोफेशन में, हालांकि कुछ नहीं होता, मैं शाम को जाता था सब काम में मिटा के। तो ये होता है एजुकेशन का अवेयरनेस पावर, और ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पावर। आप किसी भी व्यापारी को इसके नाम से आप डरा सकते हो, और बड़ी से बड़ी कंपनी भी इसके नाम से हिलती है। ओके, अगर आपको सर्विस कंपनी नहीं मिल रही है, सिर्फ आप एक बार बोल दो इसका नाम, वो अपने आप हिल जाएगा, समझा? अब सर ये पढ़ा रहे हो 1986, यहां पे क्या हुआ? ए देखो यही तो बात आती है, तुम लोगों ना, मैं अच्छा कुछ डिलीवर करना चाहता हूं लेकिन आप लोग लेना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? सही कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? हम लोग आपको कुछ अच्छा नॉलेज प्रैक्टिकल बेस्ड,
देखो मेरे पास है इसलिए ले लो, आगे नहीं मिलेगा, आगे की लाइफ बहुत कठिन है, एग्जाम की उलझनों में ही रह जाऊंगे बस। '86 के बाद कंज्यूमर की पोजीशन हिलने लगी, बदलने लगी, और कंज्यूमर को सेंटर पॉइंट दिया गया बिजनेसमैन ने। और आज कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म जाती है वो कंज्यूमर को सेंटर पे रखते हुए ही पोजीशन, उसकी एक्टिविटी को अप्रूवल मिलता है। समझा? कोई भी गवर्नमेंट ने एजेंसी बना के अब खुद डिपार्टमेंट आए कंज्यूमर कॉर्पोरेशन के लिए, और वो आज डिपार्टमेंट एक्टिवली पार्ट करते। आप देखो बड़े बड़े होटलों में शापा मारी जाती है, शापा मारते ना, क्यों मारते हैं? हमारे हेल्थ के लिए। किचन मालूम आपको, अगर बड़े होटल में किचन खराब रहा थोड़ा सा भी अनहाइजीनिक का, उनको लाखों रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। क्यों? राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू हियरिंग। आज आप व्यापारी को खड़ी खोटी सुना सकते हो और वो सुनने को रेडी है, चुपचाप सुनेगा वो। राइट टू हियर, सुनना है, सुनाओ जितना सुन सकते सुनाओ। इसलिए आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी में आप कंप्लेन करते हो, आपको ना ड्रॉप बॉक्स लिखा होता है, ड्रॉप बॉक्स कंप्लेन बॉक्स है ना आपको, ये क्यों रहता है? क्योंकि आपका राइट है, उनकी जिम्मेदारी है सुनने का, इसलिए आप उनके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट गिनवाते हो और गिनवा सकते हो आप लोग को। आपने बड़े बड़े शोरूम में गए हो, मॉल में गए हो, वहां पे आप देखो ड्रॉप बॉक्स होता है, कंप्लेन बॉक्स क्यों होता है? राइट टू हियर के बेसिस पर ये जो बनाए गए हैं, ये आपके राइट से उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है इसलिए वो परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जिम्मेदारी उनको लॉ ने दिया हमको राइट देकर। क्या हुआ? तीन टायर बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन समय के साथ लॉ के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता होती है, होती है कि नहीं होती है? अमेंडमेंट्स पास किए गए हर साल लगभग। अब बुक हो गई थी पूरी पुरानी, क्या हो गई थी? नई बुक बना के, रूल बुक बना के नए सिरे से फिर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट पास हुआ, और आज की जो न्यू एक्ट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब सर 1986 के अंदर और 2019 के अंदर कोई परिवर्तन है? दो तीन परिवर्तन है बस, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वो तो उसमें चैप्टर के अंदर वो बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के आने के पहले कौन सी एक्ट थी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, याद रहेगा आपको। तो ये था आपको कंज्यूमर के लिए, हित के लिए लॉ का दिया गया एक एक्ट। अब सर लॉ तो ऐसे था, कुछ लॉ अभियान पढ़ोगे, ओके क्लियर? चलिए अब बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आपको जाना नहीं है एसपीएस के बाद।